India, who missed the 2019 edition of the FIH Pro-League, is looking forward for the next edition, which begins in January next year. Varun Kumar, one of the best drag flickers of the Indian men's team, believes that the 2020 Pro League will be a good preparation ground for the Tokyo Games, calling Team India's preparation a testing time before the Olympic qualifiers. Varun said the team has shifted the focus now to the Tokyo Games. बहुत अच्छी बात है ये हम ओलंपिक से पहले ये मतलब हमारी परीक्षा की घड़ी थी कि इसमें हमने जीत के ओलंपिक क्वालीफाई करना था वो आगे वाला हमारा टारगेट ओलंपिक का ही है तो उसमें हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे Team is aware of the areas the work needs to be done and the work is in progress. Russia के खिलाफ दोनों हुए मैचों में काफी अच्छा खेला प्लेयर्स ने पर कुछ चीजें बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है कुछ बताते रहते हैं तो आगे नेक्स्ट टाइम उन पे ध्यान करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे Varun listed some of these areas which includes काफी ऐसे हां काफी एरियाज में मतलब प्रॉब्लम आती है कई बार जैसे उस पे हम मीटिंग में काफी काम करते हैं जैसे प्रेशर ऑन द बॉल माइंडसेट ये काफी कुछ चीजें होती हैं जो एक प्लेयर को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और For coach Graham Reed, the Olympics qualifiers was the first step and the players are happy with his approach towards the team. कोच की अप्रोच हाँ काफी अच्छा कोच है ये मैं अच्छा कोच है ये सभी को एक मतलब समान देखता है और ये काफी अग्रेसिव कोच है मतलब कि ग्राउंड में पूरा सीरियस है और आउट ऑफ द फील्ड मतलब बहुत अच्छा कोच है Talking about the importance of the Pro League before the Olympics, Varun said. बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे प्रो लीग में सारी वर्ल्ड कप वर्ल्ड की टॉप टीमें से आएंगी आठ टीमें आएंगी और ये ओलंपिक के लिए काफी मतलब अच्छी तैयारी होगी बस